हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द इजीएस्ट इंग्लिश लर्निंग सोर्स हिंग कोच, मैं रिलेटेड कोच। नाउ व्हाट इज रिज्यूमे? रिज्यूमे क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है हम ये भी जानेंगे, और साथ में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है पहले आप बताइए। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन इन द कंपनी। इन फैक्ट This is your first impression in your career. तो जब भी आप करियर की शुरुआत करते हैं तो आप जॉब ढूंढने जब निकलते हैं तो पहले आप रेज्यूमे बनाते हैं अपना, राइट? अच्छा, रेज्यूमे बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि रेज्यूमे और करिकुलम वीटाए बहुत ही डिफरेंट है। अक्सर लोग रेज्यूमे और सीवी को सेम ही समझते हैं, बट इट इज वेरी डिफरेंट। Because resume बहुत ही छोटा होता है और curriculum vitae is the more bigger version of resume. अब bigger क्यों? अगर आप 15 साल बाद, मान लीजिए आपको 15 साल का experience है, तो obviously बताने के लिए तो बहुत कुछ होगा और resume वहां fit नहीं बैठेगा, क्योंकि आपके पास companies, उनमें आपका क्या job role था, plus आपने क्या क्या achievement किए, ये सारा कुछ बताने के लिए जरूरी है कि आप उसको अच्छे से डिटेल में लिखें। नाउ इसीलिए डिटेल में जब लिखना हो अपने करियर रिलेटेड तो हम करिकुलम वीटाए बनाते हैं। एंड बिलीव मी, करिकुलम वीटाए कैन बी ऑफ 20 पेजेस आल्सो, बट अगर रेज्यूमे की बात करूं तो इट कैन बी ऑफ मैक्सिमम 5 to 7 पेजेस। एंड हियर आई हैव समथिंग फॉर यू। सबसे पहले देखेंगे कि रेज्यूमे है क्या। रेज्यूमे आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, रेज्यूमे आपके बैकग्राउंड को बताता है, साथ में वो आपकी कैपेबिलिटीज, अकॉम्प्लिशमेंट्स और हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर। जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सामने तो नहीं जा रहे हैं इंटरव्यूअर के, ना ही एचआर के, सो कंपनी में आपसे पहले आपका रेज्यूमे ही पहुंचता है, तो दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। और वहां आपको चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में लिखनी है, इसलिए मैंने लिखा हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर। So, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना अच्छा, कितना बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लाइक रिज्यूमे इज आल्सो काइंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, सो ये ध्यान रखिएगा। आप अगर अपना रिज्यूमे ऑर्गेनाइज्ड नहीं बनाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन आपके लिए वही हो जाएगा। नाउ पर्सनैलिटी कैसे बताता है रिज्यूमे? जब आप वर्ड्स यूज करते हैं रिज्यूमे में तो ध्यान रखिएगा कि वहां पोलाइट वर्ड्स यूज हो, प्लस बहुत ज्यादा चीजें आप नहीं एंटर करेंगे। अगर सारी चीजें आपने रिज्यूमे में ही लिख दी तो इंटरव्यूअर को बताने के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं, राइट? सो ओनली मेंशन द पॉइंटर्स व्हिच यू कैन टेल अबाउट। देन आई हैव अ बैकग्राउंड। नाउ आपका कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, राइट? यू मस्ट हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग, कुछ आपको मे बी अवार्ड मिला हो किसी काम के लिए, तो ऐसी चीजें हम रिज्यूमे में लिखते हैं। और ये सारी चीजें रिज्यूमे आप अगर नहीं एंटर करेंगे रिज्यूमे में तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यूअर की बात करें तो इमेजिन करिए कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं और आपके पास एक रिज्यूमे आया, उसमें बहुत कम चीजें मेंशन है या शायद ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं है उनके अंदर, तो क्या आप उसको लेंगे? नहीं लेंगे आप उनको अपनी कंपनी में, बिकॉज उनके पास ज्यादा स्किल्स नहीं होंगे। सो इसलिए यहाँ पे आपको बताना जरूरी है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, skills, accomplishments and all that. Then comes what resume does for you. अक्सर लोग बोलते हैं कि resume लेना क्यों important है? मैं जाऊंगा और मैं talented हूँ, मैं जाकर के कुछ भी बोल दूंगी तो I can clear the interview. ऐसा नहीं है. Obviously hiring, जिसने भी ऐसे hiring का process बनाया होगा, कुछ सोच के ही बनाया होगा। अब imagine करिए कि एक position आपकी company के लिए और उसके लिए 100 लोग ने apply किया है, और एक एक करके आप 100 लोगों से बात करें, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, इन अ डे। तो इसलिए रिज्यूमे बनाया गया ताकि लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाए और आप अपना प्रेजेंटेशन वहां दे पाए। इट मेक्स द फर्स्ट इंप्रेशन। मैंने पहले ही कहा कि आपसे पहले रिज्यूमे कंपनी में जाता है तो वो आपका पहला इंप्रेशन है, इसलिए उसको बेहतर से बेहतर बनाना है। नेक्स्ट, हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स कैसे, मैंने बोला बिकॉज आप एक फ्लो में लिखते हो चीजें। इमेजिन, मैंने एजुकेशन या कुछ क्वालिफिकेशन में अपना कुछ अकम्प्लिशमेंट डाल दिया, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड।
Right. So you have to organize your thoughts when you're writing your resume. And most important, never ask somebody else to make your resume. या फिर किसी का भी resume copy मत करिए, क्योंकि interviewer को पता चल जाता है कि आपने किसी का resume copy किया है और या फिर किसी और से अपना resume बनवाया है. अगर बनवाया भी है, just in case कोई resume writing में बहुत अच्छा है या फिर आजकल कितनी सारी facilities हैं जो आपको help करती हैं कि आप resume बनाएं, अगर आप ऐसी कोई facility ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएं, because अगर आपने अपना